हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल निंजा टिप्स पर। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हैमर कंपनी की को मिनी ईयरबड्स की, जिसकी डिलीवरी कल हुई थी और आज हम उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। काफी शानदार ईयरबड्स हैं, बहुत ही लाइट वेट है और छोटी सी है, बिल्कुल कान में लगाओगे ना पता भी नहीं चलेगा आपको, इतनी छोटी ईयरबड्स हैं। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, बट उससे पहले जो भी हमारी वीडियो पे नए बंदे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बॉक्स के अंदर देखते हैं, बॉक्स के अंदर हमको ये सबसे पहले ईयरबड देखने को मिलेगी जो बॉक्स के अंदर ही रखी है, और ये रैपिंग की हुई है पन्नी से इसकी। इसको चला हटा देते हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है और देखने में भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इसका केस का। और डबल मटेरियल में है, अंदर जो ईयरबड है वो भी काफ़ी छोटी सी है भाई साहब, छोटू सा प्यारा सा लग रहा है बिल्कुल। चलो अच्छी बात है भाई, छोटी छोटी हैं कानों में, इतना कम्फर्टेबल रहेगी, अच्छी बात है। और ये साथ में आपको टाइप सी केबल मिलती है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर आपको ये लव लेटर मिलते हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको, और ये आपको वारंटी कार्ड मिलता है, कर लेना अपना भाई बारकोड वारकोड स्कैन इसमें। चलो चलते हैं अपने आइटम की तरफ, ये देखिए ओह माय गॉड क्या काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है भाई सब, केस भी इसका मस्त एकदम मस्त। दोस्तों इन ईयरबड्स का डिजाइन इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप घंटों तक भी अगर इसको यूज करोगे तो कानों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल ईयरबड्स हैं और लाइट वेट और साइज छोटा होने की वजह से पता भी नहीं चलता कानों में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। दोस्तों इन ईयरबड्स का यूज आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, चाहे आप जिम कर रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो। और IPX4 की रेटिंग के साथ अगर हल्की बारिश भी आ रही है तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, अगर आप 10 मीटर तक की रेंज में भी हैं तो ब्लूटूथ अच्छे से काम करेगा, कोई डिसकनेक्शन नहीं होगा। इन ईयरबड्स के अंदर आपको 13mm के साउंड ड्राइवर्स मिलते हैं, जिनसे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे लाइव कंसर्ट होता है ना, आप फ्रंट पे ही बैठे हो, अगर आंखें बंद करके गाने सुनोगे ना काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप अपने ईयरबड्स को 3 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो इसका वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप अपनी कॉल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक लाइब्रेरी कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी। और इन ईयरबड्स की बैटरी आपको 30mAh की मिलेगी और जो केस की बैटरी होती है वो आपको 300mAh की मिलेगी। अगर आप ईयरबड्स को केस के अंदर रखोगे तो उनको फुल चार्ज होने में 1 घंटा लगेगा, और केस को चार्जिंग पे लगाओगे तो केस को फुल चार्ज होने में 2 घंटे लगेंगे। और इन ईयरबड्स को आप फुल चार्ज करने के बाद 3 से 4 घंटे तक यूज करें, म्यूजिक सुने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप फोन से ईयरबड्स को कनेक्ट कर लेते हैं और आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन है, जब भी केस को खोलोगे ना वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, बार बार पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा आपका। अगर आपके फोन पर कॉल आ रही है तो आप लेफ्ट या राइट कोई भी ईयरबड्स में डबल टैप करोगे तो कॉल पिक हो जाएगी, और अगर आपकी कॉल्स आ रही है और आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट और राइट किसी भी ईयरबड्स पे आप थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखें, टैप करके, तो कॉल आपका रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक सुनते सुनते अगर आपको पिछला सॉन्ग सुनना है, अगर आप 3 बार टैप करोगे लेफ्ट साइड तो वो प्रीवियस हो जाएगा, और 3 बार टैप करोगे राइट साइड तो वो आपका नेक्स्ट हो जाएगा सॉन्ग। और अगर आपकी ईयरबड्स डाउन हो जाती हैं तो हर 30 सेकंड के बाद इसमें रेड कलर की लाइट जलती है जो इंडिकेट करती है कि आपकी ईयरबड्स की बैटरी डाउन हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुनते हैं और आपने कानों में से निकाल के ईयरबड्स को साइड में रख दिया और कोई भी डिवाइस उससे पेयर नहीं है तो 3 मिनट के अंदर अंदर वो स्विच ऑफ हो जाएगी ईयरबड्स। तो दोस्तों मुझे तो ये हैमर की ईयरबड्स अच्छी लगी, एक तो छोटी है, लाइट वेट है, कानों में लगा के रखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कितनी देर आपने लगाई कितनी देर नहीं, और साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है इसकी, आप इसको यूज कर सकते हैं भाई, काफी अच्छा डिजाइन है इसका। और आपको अगर ये परचेज करना है तो मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी आइटम मैं आपको बताता हूँ वो पहले मैं एक बार यूज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की भी वीडियो देखी और ठाके बना दी, पहले मैं उसको यूज करता हूँ, अच्छा लगता है तो तब मैं आपको बताता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।